हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आधार स्टडी में। दोस्तों, रीट 2022 की जब से बदलाव होने की कुछ घोषणा हुई है, तब से आप स्टूडेंट्स काफ़ी भ्रमित हो रहे हैं। ये एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या इसमें पात्रता होगी, कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, बीएड अपीयर वाले शामिल होंगे नहीं होंगे, बीए एडिशनल वालों का क्या होगा और एसएसटी वालों का क्या होगा, क्या एक सब्जेक्ट से ही दे पाएंगे या केवल ऐसे से दे पाएंगे। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारे डाउट्स आपके मेरे पास आए हैं और आज के वीडियो में आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको जो बताया है वो एक एक बात बिल्कुल सत्य हुई है, आप चाहे पुराने वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि राज्य स्तरीय मेरिट बनेगी और बिल्कुल वैसा ही घोषणा हुई। उसके बाद मैंने बताया था कि ये एग्ज़ाम में आपको जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और उसकी घोषणा भी बजट में हो चुकी। इसके अलावा मैंने पहले काफ़ी पहले रीट 2021 में बताया था कि कॉमर्स वालों को भी शामिल करेंगे और मैंने बताया था कि इस बार दो गुना की मेरिट आएगी। तो बिल्कुल आप के आपको मैं जो जानकारी देता हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स प्राप्त होने के बाद आपको आपके सामने मैं उपस्थित होता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इधर उधर भ्रमित ना हो, आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का लगभग जवाब देता हूँ। और दोस्तों, आपको ऐसी जानकारी सही मिले इसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिल सके, आप इधर उधर भ्रमित ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रीट 2022 एक पात्रता परीक्षा होगी, इसके बाद मेन एग्जाम होगी जिसके अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। ये पात्रता परीक्षा है, कौन इसको दे सकता है, क्या बीएड अपीयर वाले दे पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल दे पाएंगे। बीएसटीसी अपीयर वाले दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। चूंकि इस एग्जाम की जो डेट है वो 23-24 जुलाई, इस वजह से ही डिसाइड की गई है ताकि जो इस समय बीएड कर रहा है, बीएसटीसी कर रहा है, सेकंड ईयर में जो है वो ये एग्ज़ाम दे सके। चूंकि जो इसकी पात्रता है वो इस प्रकार है कि रीट एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आने से पहले आपका बीएड या बीएसटीसी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये जुलाई में एग्ज़ाम होगी, इससे पहले आपकी बीएड और बीएसटीसी कंप्लीट हो जाएगी और आप आराम से ये एग्ज़ाम में पात्र हो पाएंगे। तो आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है बीएड और बीएसटीसी अपीयर वालों को कि हम इसमें योग्य होंगे या नहीं होंगे, आप बिल्कुल इसमें योग्य हो पाएंगे। अपनी तैयारी जोर शोर से प्रारंभ कर दीजिए। बीए एडिशनल वालों का क्या होगा? दोस्तों, बीए एडिशनल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट 2018 की बात करूँ मैं तो 2018 में उनको शामिल किया गया था, उसके बाद मामला कोर्ट में पहुँचा, कोर्ट ने वापस इस पर रोक लगा दी, फिर उसको चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने वापस उस रोक को हटा दिया। तो आज की करंट सिचुएशन ये है कि बीए एडिशनल वाले शामिल हैं। अगर आपने मान लीजिए हिंदी से, इंग्लिश से, संस्कृत से एडिशनल कर रखा है तो आप उस सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 10 क्वेश्चन में डेली लेकर आने वाला हूँ, जो आपके आने वाली इस रीट पात्रता परीक्षा और आगे जो मेन एग्जाम होगी उसके लिए काफ़ी मील का पत्थर साबित होंगे। तो दोस्तों, आप अगर उस चीज़ का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको CDP का कंप्लीट कोर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहना। दोस्तों, इसके अलावा आप पूछ रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों, ये एक पात्रता परीक्षा है, सबको पता है। इसमें पात्रता लेने के लिए क्या करना होगा, इसमें आपको 60% अंक लाने हैं। चूंकि ये 150 अंकों का एग्जाम होता है, 150 अंकों का एग्जाम होता है, 90 अंक आपको लाने हैं, 60% लाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। इसके अलावा अगर आप OBC SC ST EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% लानी है। अगर आप PH कैटेगरी में हो तो 40% और विडो या डाइवोर्स हो तो 36% में आपको ये पात्रता मिल जाएगी। और दोस्तों, ये पात्रता लेने के बाद ये आजीवन रहेगी, उसके बाद दोबारा पात्रता लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप मेन एग्जाम में बैठ पाओगे।
क्या L1 वालों के लिए भी होगी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल L1 वालों हो या L2 वालों हो, दोनों के लिए पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद मेन एग्जाम होगी। L1 वाले काफी सारे स्टूडेंट भ्रमित हैं कि हमारे लिए केवल एक ही एग्जाम है, ऐसा नहीं है। चूंकि इसको आजीवन पात्रता घोषित कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दो एग्जाम होगी, सबके लिए दो एग्जाम होगी। इसके अलावा पूछ रहे हैं क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? तो दोस्तों ये जो पात्रता परीक्षा है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी जो होगी वो मेन एग्जाम में जिसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी उसमें होने की केवल मात्र संभावना है। ये नेगेटिव मार्किंग हो इसकी अभी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, केवल संभावना है, हो सकता है। इसके अलावा SST सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा दुविधा में हैं कि क्या इस बार केवल एक ही जगह हम योग्य रह पाएंगे। चूंकि दोस्तों मैं बता देता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, जो SST वाले स्टूडेंट हैं, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, किसी स्टूडेंट के BA हिंदी सब्जेक्ट है तो वो हिंदी से भी और सामाजिक से भी दोनों जगह वो अप्लाई कर सकता था, दोनों जगह अपने योग्यता का दावा ठोक सकता था। लेकिन अब जब ये एग्जाम, दो एग्जाम होगी, दूसरी जो मेन एग्जाम होगी वो सब्जेक्ट की होगी। अब आपके BA में हिंदी भी है और SS दोनों जगह 2018 और 2021 में दोनों जगह आप योग्य थे। अब दो एग्जाम हो रही है तो क्या दोनों जगह आप कैसे योग्य हो पाओगे? तो दोस्तों मैं बात करूं 2011-12 की, 2011-12 में क्या था, 2011-12 में आपको जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि है, जिस सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है, उस सब्जेक्ट से आप फॉरम अप्लाई कीजिए और उस सब्जेक्ट के ही टीचर आप बनते थे। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के संस्कृत है तो संस्कृत से ही उसको अप्लाई करना था और संस्कृत का ही वो टीचर बनता था। SST में वो अप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि एक ही एग्जाम, ये एग्जाम एक ही दिन हो रही है। तो 2011-12 में यही पैटर्न था कि जो जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो उसी सब्जेक्ट से फॉरम भरिए। और इसके पीछे कारण ये भी है कि आपको पोस्टिंग तो एक ही जगह लेनी है। अगर आप दो जगह अपनी योग्यता रखते भी हो, SST में भी रखते हो और अपने सब्जेक्ट, अपने विषय हिंदी संस्कृत इंग्लिश वहाँ भी रखते हो, तो आपको पोस्टिंग एक ही जगह लेनी है। इस वजह से आप 2011-12 में यही पैटर्न था कि आपको एक ही जगह फॉर्म अप्लाई करना है। तो हो सकता है इस बार भी ऐसा ही हो। ऐसा न होने के लिए केवल एक चीज़ हो सकती है कि अलग अलग दिन एग्जाम हो, हिंदी वाली अलग हो, संस्कृत की अलग अलग दिन हो, SST की अलग दिन हो, उर्दू की अलग दिन हो, पंजाबी की अलग दिन हो। तो मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार एग्जाम बनाई जाए कि अलग अलग दिन परीक्षा ली जाए। तो दोस्तों एक ही दिन अगर परीक्षा ली जा रही है तो आप एक ही जगह फॉरम अप्लाई कर सकते हो। ये SST वाले स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा नुकसान मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ। सिलेबस, दोस्तों सिलेबस, अगर रीट पात्रता परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल पात्रता परीक्षा में आपने रीट 2021 जो दी है सेम वो का वो सिलेबस है। 30 नंबर की आपका CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है। 30-30 नंबर की कोई भी आपकी दो सब्जेक्ट है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, कोई भी दो अलग अलग 30-30 नंबर की है। साइंस मैथ वालों के 30 नंबर की मैथ है, 30 नंबर की साइंस है और SST वालों के लिए 60 नंबर की SST है। इसके अलावा इसमें 10 से 15 नंबर के आपको शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते थे और अभी भी पूछे जाएंगे। और यहाँ पर भी 10-15 नंबर के आपको शिक्षण विधियों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी आपको 10-15 नंबर के जो शिक्षण विधियाँ हैं उसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही साइंस मैथ में भी ऐसा ही है। तो ये एक सामान्य सा सिलेबस है, जो रीट 2021 का जो सिलेबस था सेम वही सिलेबस है। सिलेबस बदला कहाँ है? बदलेगा वहाँ जहाँ आप दूसरी एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम दोगे उससे सिलेबस में बदलाव वहाँ पर होगा। वहाँ पर क्या बदलाव होगा? वहाँ पर आपको सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, उसके अलावा उस सब्जेक्ट की शिक्षा मनोविज्ञान भी आएगी, टीचिंग मेथड भी आएंगे और आपको राजस्थान GK भी उसमें पूछा जाएगा। तो दोस्तों जो सिलेबस में क्या बदलाव होने वाला है वो आगे आने वाला समय निर्धारण करेगा कि क्या बदलाव होगा। जब सिलेबस आएगा तो मैं आपको डिटेल वीडियो बनाकर एक एक बिंदु सिलेबस का अच्छे से समझाऊंगा, उसके लिए आप चैनल पर बने रहना। इसके अलावा एग्जाम डेट जो है वो 22, 23, 24 जुलाई 2022 को ये एग्जाम 100% होगी।
इस एग्जाम में, इस डेट में अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। पोस्ट क्या रहेगी दोस्तों, पोस्ट जो है बहुत बड़ी भर्ती है ये, इसमें L2 के लिए 31,500 पद आने वाले हैं, L1 के लिए 15,000 पद आने वाले हैं। ये सबसे बड़ी इसमें भर्ती L2 वालों के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि L2 की पिछली परीक्षा रद्द हो चुकी है, इसलिए दोनों परीक्षाओं के पोस्ट इसमें जुड़े हुए हैं और L1 की 15,500 की प्रक्रिया जारी है, कुछ ही दिनों में उसकी कट ऑफ भी जारी हो जाएगी और L1 के लिए 15,000 की आगे आने वाली भर्ती जो 2022 है वो आ रही है। आवेदन कब से प्रारंभ होंगे, तो दोस्तों इसकी एग्जाम जुलाई में है तो इसके आवेदन अप्रैल में प्रारंभ हो सकते हैं, अप्रैल में इसके आवेदन चालू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप पूछ रहे हो पात्रता परीक्षा का वेटेज मेन एग्जाम में जोड़ा जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो पात्रता परीक्षा है इसको आजीवन घोषित कर दिया गया है, आप सबको पता है। और इसको आजीवन घोषित करने के पीछे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट को बार बार ये पात्रता परीक्षा नहीं देनी पड़े, सेंटर में जो सीटेट होता है उसके पीछे ये उद्देश्य था और यही उद्देश्य अब राजस्थान में है कि एक बार पात्रता लेने के बाद आप सीधे मेन एग्जाम में बैठ पाओ। तो अगर इसको इसका वेटेज मेन एग्जाम में जोड़ेंगे तो वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि वेटेज में अच्छे अंक लाने के लिए हर बार स्टूडेंट क्या करेगा, ये पात्रता परीक्षा देगा। और इसी से तो बचना चाहते हैं कि हर बार पात्रता परीक्षा नहीं देनी पड़े, तो इसका जो वेटेज है वो नहीं जोड़ा जाएगा। आपने प्रेस नोट में भी पढ़ा होगा कि जो दूसरी एग्जाम है केवल उसी के अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, तो वेटेज इसमें नहीं जुड़ेगा और ये जो पात्रता है ये आजीवन रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं L1 की एग्जाम कौन दे सकता है, L2 की एग्जाम कौन दे सकता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, L1 के लिए कक्षा 1 से 5 का टीचर होता है, आप सबको पता है। L2 के लिए कक्षा 6 से 8 का टीचर होता है। L2 BEd वाला दे सकता है, L1 BSTCA वाला, DLED या JBT, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, वो ये एग्जाम दे सकता है। अब NCT का जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट दुविधा में हैं। तो दोस्तों NCT का जो नोटिफिकेशन है, राजस्थान हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। जब ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला निकल के आएगा उसके बाद अगर राजस्थान गवर्नमेंट उस चीज़ को किस प्रकार अप्लाई करती है वो देखने की बात आगे आएगी, जब वो फैसला आएगा और उसका इस भर्ती पर क्या इफेक्ट आएगा वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तब। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, इसकी एलिजिबिलिटी बता दी, BA एडिशनल वालों की बात हो गई और ये आपके एग्जाम पैटर्न की बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में मैं आपको CDP के अच्छे खासे वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा, आप चैनल पर बने रहें, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल जानकारी बिल्कुल सटीक है। आप चाहे हमारे पिछले वीडियो भी देख लेना, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन लेके आऊँगा वो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये वीडियो आपको जल्द ही मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों CDP का कंप्लीट कोर्स मैं आपको YouTube पे ही करा दूंगा, इस बात की गारंटी है, कंप्लीट कोर्स आपको YouTube के माध्यम से मिल जाएगा। तो अपनी आप तैयारी हमारे इस चैनल पर भी अच्छे से कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, या मुझे ऐसा लगा कि अब काफ़ी सारे डाउट्स हो गए तो मैं वीडियो के माध्यम से आपके डाउट्स का जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।